मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी की पांचवी सूची जारी होते ही ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री माया सिंह का टिकट फाइनल हो गया है। इसके बाद बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे सिंधिया समर्थक और पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल के टिकट काटने के उनके समर्थकों ने मुरार कार्यालय पर पहुंचकर प्रत्याशियों के विरुद्ध में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी रामकृष्ण मंडल नेता बंटी त्यागी ने कहा कि पूर्व मंत्री माया सिंह का टिकट फाइनल होने पर ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। अभी से ही कार्यकर्ताओं ने मेहनत करनी शुरू कर दी है। पार्टी का एक निर्णय जो होता है, पार्टी जो विश्वास जता रही है, माननीय मामी साहब ने अपने मंत्री काल में हजारों करोड़ों के विकास कार्य इस ग्वालियर विधानसभा में कराए और उन्हों का टिकट पहले भी कट गया था। उनके समर्थकों ने तो कभी किसी का विरोध नहीं किया और माननीय मुन्ना लाल जी भी मामी साहब के साथ हैं, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस पर विश्वास जताएगी हम उसका साथ देंगे, उसके साथ रहेंगे। पार्टी सबकी माँ है और पार्टी सबके लिए अपने स्वार्थ से ज़्यादा पार्टी का हित, पार्टी के हित के साथ जनता का हित और जनता के हित के साथ। भारतीय जनता पार्टी की जो आज सूची आई है उसमें ग्वालियर पूर्व के साथ बिल्कुल अन्याय किया गया है। जो हमेशा जनता के बीच रहते हैं, हमेशा कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ते हैं, पिछले करीब 15 सालों से लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को टिकट ना देकर घर बैठी महिला को, मामी जी को टिकट दी जाए, इससे कार्यकर्ताओं में घोर निराशा है और कार्यकर्ता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से नाराज है और वरिष्ठ नेतृत्व से मांग करता है कि इस निर्णय को जल्द से जल्द बदला जाए। अगर निर्णय नहीं बदला गया तो पार्टी को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा।